फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो यहाँ पर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में मिलें चल रही थी उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करते हुए जो है उन मिल ऑनर्स को जो बोला है, जिसको सा मिल्स कहते हैं, उनको बोला है कि वो अपने मिलें जो है वो बंद रखें और रजिस्ट्रेशन का जो है वो प्रोसेस शुरू करें। ये जो कार्रवाई है न सिर्फ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में बल्कि पूरे जम्मू और कश्मीर में हो रही हैं, और जितनी भी मिलें चल रही है जो इलीगल है या जाते के तहत खोली नहीं गई थी उनको जो है वो बंद करने के जो है वो हुक्म दिए गए हैं, और उसी सिलसिले में किश्तवाड़ में भी जो है ये कार्रवाई चल रही है। इसी सिलसिले में हमने जो यहाँ के साब मिल चलाने वाले जो लोग हैं उनसे बात की, आइए जानते हैं कि इनका जो है वो क्या कहना है। क्या मसला है आपका? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आपकी जो मिले हैं उनको बंद करने के लिए बोला, जो मशीन चल रही है कि हमने लोन निकाला है, सबों ने निकाला है लगभग, तो सारे कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। किस चीज़ का इंसाफ? ये दे रहे सब फॉरेस्ट आया, रेंजर आया वहाँ पे आगे तो बोलने लगे ये बंद करो, 3 दिन का टाइम है आपके पास तो ये बंद करो मशीनें, नहीं तो हम उठा लेंगे सारी की सारी। तो हमने कहा हम जाएंगे ज़रा डीएफओ साहब के पास, पूछेंगे हमें क्या कागज़ चाहिए, क्या रखना है, हमने किस हिसाब से रखेंगे मशीन। तो जो ये मशीनों पे लकड़ी आती है वो कहाँ से आती है और किस तरह का कारोबार? तो लाइसेंस दिया है इसका टिम्बर का, हर किसी को लाइसेंस दिया है, जो भी डिपो प्राइवेट डिपो है हम तो प्राइवेट डिपो से लेते हैं। हमारी मशीन पे कोई ये रखा था इसलिए कि इसमें खाली रंदाई का, हम हाथ से काम करते थे तो फिर इन्होंने निकाला खुद डिजिटल बनाएंगे। हम तो हाथ से अब करते नहीं थे काम, हम काम करते थे प्लेनर पे, तो उसमें कोई लकड़ी चीरने नहीं आती है, तो ना कोई स्लीपर चीरा जाएगा उससे, ना कोई गाज चीरा जाएगा उतना बड़ा, तो उसके लिए बोल रहे हैं नहीं जी इसको बंद करो। तो हमें बता दें कि हम बंद करके हम कहाँ जाएंगे? हमने 15-15 लाख लोन निकाला, किसी ने 10 निकाला, किसी ने 5 निकाला। अगर हम सिटी में दुकान रखते हैं तो वो लोग बोलेंगे कि यहाँ शोर मत उठाओ, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बाहर रखेंगे तो तब भी थोड़ा सा हम काम निकालते, कभी लाइट होती नहीं, हमें रात को काम करना पड़ता 10-11 बजे तक, किसी का ऑर्डर होता हमें जल्दी चाहिए, मकान बनाना है, ये करना है, वो करना, तो वो तो करना है हमने। तो क्या बताएंगे, आप भी यहाँ आए हैं, क्या बताएंगे? ये तो छोटा सा तबका है, मजदूर तबका है, सबको मतलब पेट पालना है बच्चों का, तो इसीलिए हम चले हैं डीएफओ साहब के पास कि पूछेंगे हम कहाँ जाएंगे। सिटी में जाते हैं दुकान, मतलब सिटी में तो कभी अस्पताल वाले, कभी ये स्कूल वाले कहते हैं नहीं जी यहाँ पर काम नहीं चलेगा, ये आप दूर ले जाओ, बाहर ले जाओ। हमने सुना कि फॉरेस्ट वाले बोलते हैं नहीं जी सिटी में लाओ, तो ये तो गवर्नमेंट ने तो प्रोग्राम बनाए हैं कि छोटे छोटे मतलब इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे, लोग गांव में इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे तो सब अपनी मेहनत मजदूरी करेंगे, तो ये तो बंद करने पे ही आए हैं। तो आप क्या बताएंगे, आप बाहर से हैं यहाँ पर काफी अच्छे से काम कर रहे हो, 15 लाख लोन लेके इधर काम खोला है, अब ये बोल रहे हैं जी इसको बंद करो तो टोन में ले जाओ। टोन में पहले इतनी जगह लेने के लिए 8-10 लाख रुपया तो उधर लोन मांगेंगे, एडवांस मांगेंगे, जगह ही नहीं मिलेगी, फिर वहाँ कचरा निकलेगा, उसको बाहर फेंकने के लिए हम पहले गाड़ियाँ करके बाहर फेंकेंगे। ये काम जो है ये सिटी के बाहर ही चलता है, ये सिटी के अंदर चलने वाला काम नहीं है। तो कितनी मिले होंगे ऐसी यहाँ पर, और क्या कौन कौन ऑफिशियल आया, आपको क्या कोई ऑर्डर दिए? ये जितने बंदे हम इधर खड़े हैं फिलहाल इतने सबके पास है, इससे ज़्यादा बंदे जो हैं अभी इकट्ठे नहीं हुए, वो उनके सबके पास भी है। जब सबको ये मसला पड़ेगा तो ये आएंगे इधर ही, वो हमारे लिए कुछ मसला हल निकाले अच्छी तरह कि हमने कौन सा गुनाह किया है। जो भी लकड़ी लाते हैं बिल कटी हुई लकड़ी आती है, लोगों का काम होता है, तो इधर इतनी दूर काम करने आए हैं तो फिर ये मशीनें उठा के कहाँ लेके जाएं? तो आप क्या बताएंगे, क्या रीज़न दे रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं कि आप बंद करो, क्या इलीगल काम चल रहा है, क्या चल रहा है? सर इसमें इलीगल काम तो कुछ हो नहीं रहा है, जैसे जो कि लकड़ी आ रही है वो जम्मू से आती है, फरामिया होती है हमारे किश्तवाड़ में, जब हम जाते हैं आरूम पे, जैसे हमारे यहाँ पे 2-3 आरे चल रहे, जैसे हमारा बहुद्दीन साहब हम वहाँ से लकड़ी उठाते हैं, डिपो हमारा यासिर साहब का है वहाँ से हम लकड़ी उठाते हैं और फरामोश वहाँ करते हैं हमें, और हम लोगों का माल बनाते हैं। अब इन्होंने परसों ऑर्डर किया है कि आप अपनी मशीनें बंद करो, अगर हम 300 घरों का चूल्हा अगर ये बंद करेंगे तो हम खाएंगे क्या, जाएंगे कहाँ? सर हमारा तो 10-10 लाख का लोन लिया हुआ है हमने बैंकों से, हमें तो महीने पे पहले 10,000 किस्त देनी पड़ती है,
3 लाख रुपए तो हमने एडवांस में इनको दुकानदारों को दिया हुआ है। सर हम कहाँ से पूरा वो पैसा करेंगे, और हम अगर हमारी मशीनें बंद होगी वो तो हमारे पेटों पे लात पड़ेगी, हमारे घरों पे लात पड़ेगी। और ये हमारे साथ कोई 4-4, 5-5 आदमी काम कर रहे हैं, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? ये सबके साथ आप क्या बताओगे? सर हम यही बताना चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि परसों भी ये फॉरेस्ट वाले यहाँ पे आए और हमें बोलने लगे कि मशीनें बंद करो, आपको 25 तारीख तक डेट दी जाती है। तो अब हम आ जाए हैं डेपो साहब से मिलेंगे, पूछेंगे क्या होगा बाकी। हमने डेफो किश्तवाड़ सागर सिंह से बात करने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो बात की, लेकिन कैमरे के सामने जो है उन्होंने कुछ नहीं बोला। और जो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड हमें ये बात बोली कि आप हमें कोट कर सकते हो, कि उनका ये कहना है कि इसमें जो है वो गवर्नमेंट का एक नया SRO निकला है, जिसमें ऑनलाइन पोर्टल जो है वो खोला गया है, और वहाँ पर जो ये लोग हैं ऑनलाइन पोर्टल पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो फॉर्मेलिटीज़ है जब तक वो पूरी नहीं होंगी तब तक जो है वो लाइसेंस उनको इशू नहीं होंगे। और उनका ये साफ कहना है कि जो भी म्यूनसिपलिटी के बाहर के शामिल जो चल रही है उनको जो है वो किसी तरह की लाइसेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का बल्कि जो यहाँ का चनाब बेल्ट के और जम्मू डिवीजन के मैक्सिमम एरियाज जो है आउटसाइड म्यूनसिपलिटी लिमिट जो है उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते, क्योंकि वो 8 किलोमीटर का जो फॉरेस्ट है नियरेस्ट फॉरेस्ट वहाँ से जो है वो एरियल डिस्टेंस पे जो है वो वहाँ से उतना दूर होना चाहिए। लेकिन जो किश्तवाड़ है यहाँ पर जो है तकरीबन 500 मीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पर ही जो है वो जो किश्तवाड़ टाउन के आउटस्कर्ट्स के एरियाज हैं वो जंगल से जो है वो पड़ते हैं। तो इसलिए उन्होंने इन से को जो है वो डायरेक्शंस दी है कि इनके जो यहाँ का जो डेफो है सागर सिंह उसके उसने इन लोगों को जब मुलाकात की उनको साफ ही बोला कि ये मसला उनके हाथ में नहीं है, अगर जो है इसमें कुछ कर सकती है वो गवर्नमेंट लेवल पर PCCF लेवल पर और LG लेवल तक जो है वो इसमें कुछ हो सकता है, क्योंकि ये पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आई है, ना कि जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है ये ड्राफ्ट हुई है। अब देखते हैं कि ये जो है लड़ाई आगे कहाँ तक चलती है, क्योंकि इन्होंने थ्रेटन भी किया है कि अगर जो है ये इनको जो है वो लाइसेंस नहीं दी गई और कारोबार जो है वो चलाने की जो है वो परमिशन नहीं दी गई तो ये जो है वो आगे चलकर सड़कों पर भी आ सकते हैं। आपका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।